हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल पीआर चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू देने वाला हूँ नॉइस की कलरफिट प्रो 2 स्मार्ट वॉच का। तो ये जो स्मार्ट वॉच है बड़ी ही कमाल की स्मार्ट वॉच है और इसके बारे में आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे बॉक्स की बात की जाए तो बॉक्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत प्रीमियम सा बॉक्स है और यहाँ पे लिखा है फिटनेस एवरीडे और इस साइड में यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी नॉइस की। यहाँ पे इसी वॉच के कुछ इमेजेस दिए हुए हैं और पीछे के साइड में इसके कुछ डिटेल्स मेंशन की गई है, जैसे कि IPS टच स्क्रीन, मल्टी स्पोर्ट्स मोड, 45 डेज स्टैंड बाय, स्मार्ट नोटिफिकेशंस, IP68 वाटरप्रूफ भी है और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी इस स्मार्ट वॉच के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रोहित शर्मा के फोटो के साथ, यहाँ पे नॉइस की तरफ से वी आर ग्रेटफुल के बाद आपको देखने को मिल जाएगी नॉइस की कलरफिट प्रो 2 स्मार्ट वॉच। तो इसे मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो वॉच की बात अपन बाद में करेंगे, उससे पहले कुछ और बॉक्स कंटेंट्स चेक कर लेते हैं कि क्या बॉक्स कंटेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और तो इसे भी मैं हटा लेता हूँ और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी यूज़र मैनुअल। तो यूज़र मैनुअल में बहुत सारी डिटेल्स दी गई है, पढ़ के इसका एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दी गई है चार्जिंग केबल, तो चार्जिंग केबल को चेक कर लेते हैं। तो इस स्मार्ट वॉच के साथ आपको 2-पिन चार्जर देखने को मिल जाएगा। तो ये 2-पिन मैग्नेटिक चार्जर है और ये जो चार्जर है आपकी वॉच से कुछ इस तरीके से स्टिक हो जाएगा और ये वॉच चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये इस तरीके से स्टिक हो जाएगा और आपकी वॉच चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर बात की जाए बिल्ड क्वालिटी की तो इस स्मार्ट वॉच की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है और यहाँ पे आपको सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे और 2-पिन चार्जिंग के लिए यहाँ पे स्लॉट दिया हुआ है। और बात की जाए स्ट्रैप क्वालिटी की तो स्ट्रैप क्वालिटी मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्ट्रैप्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस स्मार्ट वॉच के अंदर, जो कि रिमूवेबल भी है। तो आप इसे इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं और वापस इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। अगर बात की जाए साइड्स की तो साइड्स में आपको बहुत ही प्रीमियम लुकिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे सिल्वर कलर है और सिल्वर के नीचे ब्लैक कलर है, तो प्लास्टिक बॉडी है पर बहुत ही अच्छी तरीके से पॉलिश की गई है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो ये स्मार्ट वॉच बहुत ही कमाल की है। और इस साइड में यहाँ पे आपको एक बटन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे भी इस तरीके की क्वालिटी है। उसके बाद चलिए इस स्मार्ट वॉच को ऑन कर लेते हैं और देखते हैं क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके की अगर आपको अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ चाहिए हो सबसे पहले तो टेक्निकल पीआर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो ये स्मार्ट वॉच ऑन हो चुकी है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए डिस्प्ले की तो IPS डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा इस स्मार्ट वॉच के अंदर और कलर्स बहुत अच्छी तरीके से प्रोड्यूस करता है, पर यहाँ पे बेजल्स बहुत ज़्यादा है तो ये बात ध्यान में रखने वाली है। ऊपर और नीचे के साइड में बहुत ज़्यादा बेजल्स है इस स्मार्ट वॉच के अंदर और साइड्स में भी थोड़े ज़्यादा बेजल्स है। तो आप और वॉच फेसेस में देख सकते हैं, जैसे कि ये जो वॉच फेसेस है इनके अंदर आपको पता नहीं चलेगा। पर अगर बात की जाए डिस्प्ले में कलर्स की तो कलर्स बहुत अच्छी तरीके से प्रोड्यूस करती है ये स्मार्ट वॉच और ये इसके जो वॉच फेसेस है ये आपको सेम एप्पल वॉच में जो वॉच फेसेस देखने को मिलते थे उस टाइप के देखने को मिलेंगे। तो कलर्स अच्छे से प्रोड्यूस करती है और बेजल्स थोड़े ज़्यादा है। अगर बात की जाए टच रेस्पॉन्स की तो टच रेस्पॉन्स इसके अंदर आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी लैग्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। तो टच रेस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है इस स्मार्ट वॉच का। और उसके बाद अगर बात की जाए कुछ और फीचर्स की तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे। तो एप्लीकेशंस आपको बता देता हूँ एक बार, तो ये सारे एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगे, टोटल 8 एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले स्पोर्ट्स मोड, तो स्पोर्ट्स मोड में यहाँ पे देख लेते हैं कितने फीचर है। तो बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड आपको देखने को मिल जाएंगे और इसका जो पेडोमीटर है इसे मैं ऑन करके बता देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे इस तरीके से पेडोमीटर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे कितने किलोमीटर चले वो शो करेगा और उसी के साथ हार्ट रेट की रीडिंग शो करेगा। और पेडोमीटर काफ़ी हद तक एक्यूरेट है इस स्मार्ट वॉच का। पेडोमीटर के बाद इसके अंदर आपको और एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हार्ट रेट सेंसर हो गया। और हार्ट रेट सेंसर जो है इसे मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ कि एयर के अंदर ये रीडिंग शो करता है या फिर नहीं करता है। तो मैंने अभी इसको नहीं पहना है, देख लीजिए आप कर रहा है।
58 रीडिंग शो कर रहा है, 60 रीडिंग शो कर रहा है। तो वैसे तो कंपनी क्लेम करती है कि इस स्मार्ट वॉच का हार्ट रेट सेंसर एक्यूरेट है, पर एयर के अंदर ही ये रीडिंग शो कर रहा है, इसका मतलब ये एक्यूरेट नहीं है। और इससे मैं 50% तक ही एक्यूरेट कहूँगा, बाकी हार्ट रेट सेंसर जो है ये मेरे को तो एक्यूरेट नहीं लग रहा है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा ब्रीथ, तो यहाँ पे ब्रीथ का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे आप चाहे तो रिलैक्स और यहाँ पे आप टाइमर सेट कर सकते हैं 1 मिनट और 2 मिनट का, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा अलार्म का, तो यहाँ पे आप अलार्म्स वगैरह सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे और आपको ऑप्शन मिल जाएगा म्यूज़िक का, तो आप आपके फ़ोन के म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं। और फ़ोन के म्यूज़िक को कंट्रोल करने के साथ यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टॉप वॉच, तो स्टॉप वॉच का फीचर है। और इसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा स्पोर्ट्स रिकॉर्ड, तो यहाँ पे आपका जो भी स्पोर्ट्स रिकॉर्ड है सारा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा सेटिंग्स, सेटिंग्स के अंदर ये अभी मैक्सिमम ब्राइटनेस पे है। और अगर बात की जाए डे लाइट की, तो डे लाइट में बहुत अच्छी ब्राइट है ये स्मार्ट वॉच, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा इसे यूज़ करने में। बाद यहाँ से आप चाहे तो वॉच फेसेस चेंज कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो इस स्मार्ट वॉच के अंदर कस्टम वॉच फेसेस भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अबाउट में जाके आपको बता दूँ तो इसका वर्जन चेक कर सकते हैं, और इसी के साथ यहाँ से आप इसे स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे इस स्मार्ट वॉच के अंदर। बहुत लिमिटेड एप्लीकेशंस है पर बहुत यूज़फुल है, और जो भी आपको यूज़फुल एप्लीकेशंस चाहिए थे वो सारे आपको मिल जाएंगे इस स्मार्ट वॉच के अंदर। इसी के साथ आप अगर इस तरफ स्वाइप करेंगे तो आपके फ़ोन के सारे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, तो नोटिफिकेशंस को आप रीड कर सकते हैं पर इनका आप रिप्लाई नहीं कर सकते, तो ये बात ध्यान में रखने वाली है। तो आपके फ़ोन के नोटिफिकेशंस आ जाएंगे पर रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा हार्ट रेट सेंसर का, रेस टू वेक गेस्चर का, तो रेस टू वेक गेस्चर को टेस्ट कर लेते हैं इस स्मार्ट वॉच के। तो रेस टू वेक गेस्चर बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा रेस्पॉन्सिव है। और इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा नाइट मोड, तो ये जो स्मार्ट वॉच है इसकी ब्राइटनेस मैं फुल पे रखी और पूरे पूरे दिन फ़ोन से कनेक्ट करके रखा, तो 7 डेज का बैटरी बैकअप मुझे मिल गया इस स्मार्ट वॉच के अंदर। तो अगर बात की जाए बैटरी बैकअप की, तो बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है। और चार्ज होने के लिए ये स्मार्ट वॉच 1 आवर लेती है, तो 1 आवर के अंदर ये स्मार्ट वॉच को आप चार्ज कर सकते हैं और 7 डेज तक यूज़ कर सकते हैं। और आपके जो भी स्पोर्ट्स वगैरह है आप देख सकते हैं, आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करेगी ये स्मार्ट वॉच। तो ओवरऑल अगर मेरे को रिव्यू देना हो तो इसकी प्राइस है 2500 रुपीज़। 2500 रुपीज़ के हिसाब से मुझे तो ये स्मार्ट वॉच वैल्यू फॉर मनी लगी। इसके अंदर थोड़े से लिमिटेड ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे सिर्फ 8 ऑप्शन है, पर फिटनेस के हिसाब से वॉच चाहिए उनके लिए तो बहुत बेस्ट है। और बिल्ड क्वालिटी और ओवरऑल लुकिंग की बात करूँ तो टोटली वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। और अगर आपको बाय करना हो तो मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से बाय कर सकते हो। अगर बात की जाए इस स्मार्ट वॉच के वेट की, तो चलिए एक बार इस स्मार्ट वॉच का वेट भी चेक कर लेते हैं। तो 34 ग्राम्स का इसका वेट आपको देखने को मिल जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट स्मार्ट वॉच है। और कंपैरेटिवली इस स्मार्ट वॉच का वेट बहुत ज़्यादा लाइट है। तो उम्मीद है आज का आपको अनबॉक्सिंग रिव्यू पसंद आया होगा। तो इसी तरीके के स्मार्ट वॉचेस के अनबॉक्सिंग रिव्यू अगर सबसे पहले देखने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।